Assalamu alaikum dear and welcome to the new session of intellectual property law with a new topic that is Berne Convention. Dear, as you know that intellectual property can be divided into two categories, namely industrial intellectual property and the property to which a copyright may be assigned. रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने लास्ट सेशन में देखा कि पेरिस कन्वेंशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के हवाले से है, पेटेंट के हवाले से है, डिज़ाइन के हवाले से है, ट्रेडमार्क के हवाले से है और उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है। जो लिटरेरी वर्क है, जो आर्टिस्टिक वर्क है, जो सिनेमाटोग्राफिक वर्क है, इसको इंटरनेशनल लॉ में कौन सा डॉक्यूमेंट डील करता है, कौन सा कानून डील करता है, दैट इज़ बर्न कन्वेंशन, जो कि आज हमारा टॉपिक है। सर, आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये जो बर्न कन्वेंशन है, ये इसकी नेचर क्या है, ये इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी चीज़ों को ये डील करता है, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन की जब हम सर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें टोटल कितने प्रोविजंस हैं और ये कब साइन होता है, कहाँ पर साइन होता है। तो सर, चूँकि ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है तो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में हमेशा आर्टिकल का लफ्ज़ यूज़ होता है लॉ के लिए, चूँकि इंटरनेशनल लॉ का डोमेस्टिक लॉ के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई इन इंटरनेशनल लॉ द वर्ड आर्टिकल इज़ यूज्ड। और इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन भी मौजूद है कि आर्टिकल कहाँ पे और सेक्शन कहाँ पे यूज़ होता है। चूँकि बर्न कन्वेंशन एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है तो लिहाजा लॉ के लिए, प्रोविजन के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ आर्टिकल। टोटल 38 आर्टिकल्स हैं, टोटल 38 प्रोविजन हैं इस बर्न कन्वेंशन के। सर, जब हम बात करते हैं कि ये जो बर्न कन्वेंशन है ये कहाँ पर साइन हुआ और कब साइन हुआ, तो ये सर स्विट्ज़रलैंड में साइन होता है, बर्न में साइन होता है और साइन होता है 1886। यू नो बेटर कि इससे 3 साल पहले एक और कन्वेंशन भी पेरिस में साइन होता है जिसको हम पेरिस कन्वेंशन बोलते हैं, रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के हवाले से था। और 1886 का जो बर्न कन्वेंशन है ये कॉपीराइट के हवाले से है। सर, जब हम ये देखते हैं कि बर्न कन्वेंशन कब इफ़ेक्टिव होता है, आई मीन टू से कब से नाफिजुल अमल होता है, तो 1887 में ये इन्फोर्स होता है। ऐसा क्यों है कि डेट ऑफ सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट है और डेट ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट है। तो सर, इंटरनेशनल लॉ में जो स्टैंडर्ड रखा जाता है किसी भी ट्रीटी की इन्फोर्समेंट के हवाले से, वो डोमेस्टिक लॉ से डिफरेंट है। डोमेस्टिक लॉ में जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर लेता है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर लेता है तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरा हो गया और अब ये कानून बन गया। लेकिन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है कि ट्रीटी किस तरह इन्फोर्स की जाती है, कब से आई मीन टू से वो लागू होती है। बाकायदा वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी, जिसको हम ट्रीटी ऑन ट्रीटी भी बोलते हैं, एक पूरा तरतीब बताया गया है कि कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट किस तरीके से इन्फोर्स होती है। इसीलिए साइन हुआ 1886 में। और ये इनिशियली अगर हम देखें तो टोटल 10 यूरोपियन स्टेट थे जिन्होंने इनको साइन किया, और अगर इस वक्त देखें तो ऑलमोस्ट 181 स्टेट इस बर्न कन्वेंशन के मेंबर हैं। सर, ये जो बर्न कन्वेंशन जो कि 1886 में साइन होता है, ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता है और फाइनली ये अमेंड होता है एंड 1979, जो फाइनली रिवाइज होता है, अमेंड होता है 1979। सर, बर्न कन्वेंशन किस चीज़ के हवाले से, ये जो कॉपीराइट है उसके हवाले से। ये कहाँ पर साइन होता है, स्विट्ज़रलैंड में साइन होता है।
टोटल इसके 38 प्रोविजंस हैं, 1886 को साइन होता है और फाइनली 1979 को अमेंड होता है। सर जब हम देखते हैं कि इस ट्रीटी की या इस डॉक्यूमेंट की आई मीन टू से नेचर क्या है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, मल्टीनेशनल ट्रीटी है, प्राइवेट ट्रीटी है, इसकी नेचर क्या है, तो हम देखते हैं कि सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से सेकेंड इंटरनेशनल ट्रीटी है, सेकेंड इंटरनेशनल ट्रीटी रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। और अगर हम देखें कि ये बाइंडिंग इन नेचर है या नहीं है या किन के ऊपर इनका इतलाक होता है, तो ये बाइंडिंग इन नेचर है। और किन के ऊपर बाइंडिंग है, तमाम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के ऊपर ये बाइंडिंग है, इट इज़ बाइंडिंग अपॉन ऑल कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। एंड व्हाट डज मीन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, यानी कि वो स्टेट कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इन अदर वर्ड इस डॉक्यूमेंट को या तो रेटिफाई किया हुआ है या एडॉप्ट किया हुआ है, वो तमाम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहलाएंगे या वो तमाम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहलाएंगे। बर्न कन्वेंशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के ऊपर भी लागू है, जितने कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैं बर्न कन्वेंशन के उसके ऊपर तो ये बाइंडिंग है ही है, चूँकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रीटी साइन हुई है ट्रिप्स के नाम से, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ये बाइंडिंग है। इट इज़ पब्लिक ट्रीटी बाय नेचर, इट इज़ पब्लिक ट्रीटी क्योंकि ये ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट फॉलो कर रही है, तो ये पब्लिक ट्रीटी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि पाकिस्तान इसका सिग्नेचरी है या नहीं है या पाकिस्तान ने इसको एडॉप्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो पाकिस्तान ने इसको एडॉप्ट किया हुआ है, पाकिस्तान ने 1969 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जमा किया। ये दो टर्मिनोलॉजी में थोड़ा फ़र्क करना, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी, वन इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या फ़र्क है दोनों में, जब कोई स्टेट कोई कन्वेंशन अटेंड करता है और उस कन्वेंशन को साइन करता है तो वो सिग्नेचरी बन जाता है, और उस जो वो जो ट्रीटी है वो जो डॉक्यूमेंट है फिर उसको अपने स्टेट लाता है, अपने डोमेस्टिक लॉ में एक लॉ के तहत उसकी अप्रूवल देता है, तो उसको बोला जाता है रेटिफिकेशन। तो जब वो डॉक्यूमेंट की सूरत में वो अप्रूवल वापस जमा किया जाता है उस इदारे में, तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि उस मल्क ने अब फाइनल अप्रूवल दे दी है, वो ट्रीटी अब उनके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन सर वो स्टेट के जो कन्वेंशन का हिस्सा नहीं होते, कन्वेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करते या वो कन्वेंशन में सिग्नेचरी नहीं बनते, लेकिन लेटर ऑन वो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो एक आई मीन टू से एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और वो दोबारा उस इदारे को भिजवाते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब उसका ये कि हम उस कन्वेंशन को मानते हैं, अब हम उसको फॉलो करेंगे। तो पाकिस्तान ने 1969 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जमा किया जो डायरेक्टर जनरल है वीपो का उसके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट बर्न कन्वेंशन नाउ। सर जब हम बात करते हैं कि जो बर्न कन्वेंशन है इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी सिंपल, जस्ट टू प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड। इसका पर्पस क्या है, पर्पस इसका ये है कि जस्ट टू प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, किस चीज़ के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सॉरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन फॉर
for the protection of a literary work. LW stand for literary work or artistic work. इन दो के लिए जो प्रोटेक्शन का जो लीज स्टैंडर्ड है स्टेट के लिए वजह करना कि तमाम स्टेट अपने अपने आई मीन टू से डोमेन में ये मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे. और सर जब हम बात करते हैं कि ये जो जो बर्न कन्वेंशन है इसका स्कोप क्या है, ये कौन सी चीज़ों को डील करता है, तो सर ए डील विद टू थिंग्स. एक तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वर्क की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्क. यहां पे वर्क से मुराद क्या है, वर्क से मुराद डिफाइन किया गया है कि वर्क से मुराद क्या है, वर्क से मुराद यानी कि कौन से काम की ये बात करते हैं कि प्रोटेक्शन हो. नंबर वन लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क, यू नो बेटर लिटरेरी वर्क क्या है, एंड लिटरेरी वर्क के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है, हम इसको देख सकते हैं. देन आर्टिस्टिक वर्क, सेम इज द केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क एज वेल. एंड देन साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक वर्क, सिनेमाटोग्राफिक वर्क एसेट्रा. तो ये जो बर्न कन्वेंशन है इट डील विद प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ साइंटिफिक वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक वर्क एसेट्रा. और ये डील करता है राइट ऑफ अतर के साथ भी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, राइट ऑफ अतर. अब अतर कौन है ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद है, हम देख सकते हैं कि अतर से मुराद क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, कौन कौन से राइट दिए जाएंगे किसी भी अतर को. अब अतर जो है लिटरेरी वर्क में अतर अलग होगा, आर्टिस्टिक वर्क में अलग नाम होगा, सिनेमाटोग्राफिक वर्क में अलग नाम होगा. सर जब हम बात करते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन बर्न कन्वेंशन के क्या कहते हैं रिगार्डिंग लिटरेरी वर्क, रिगार्डिंग आर्टिस्टिक वर्क, या ये कौन से प्रिंसिपल वजह करता है, तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए गए हैं बर्न कन्वेंशन में. सबसे पहला जो प्रिंसिपल वजह किया गया है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट. ये वही प्रिंसिपल है जो पेरिस कन्वेंशन में अभी यूज हुआ है नेशनल ट्रीटमेंट के नाम से. नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या था, इक्वल प्रोटेक्शन, के स्टेट क्या नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी. इसका मतलब ये हुआ बर्न कन्वेंशन में कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई काम ओरिजिनेट होता है, कोई लिटरेरी वर्क होता है, कोई साइंटिफिक वर्क होता है या कोई आर्टिस्टिक वर्क होता है, तो तमाम मालिक उसको इस तरह प्रोटेक्शन देंगे कि जैसे काम करने वाला जो अतर है वो उसके अपने मल्क का नेशनल है. इसका मतलब है देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी. देन जो सेकेंड प्रिंसिपल जो प्रोविजन में बताया गया है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन. प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन से क्या मुराद है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि जिस तरह जो जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी थी उसके लिए अप्लाई करना पड़ता था, प्रोटेक्शन लेनी पड़ती थी, लेकिन लिटरेरी वर्क के हवाले से कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. जैसे ही काम पब्लिश हो गया, जैसे ही काम फंक्शनल हो गया, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन होगी, कोई मजीद फॉर्मेलिटी स्टेट नहीं रखेगा. तमाम स्टेट बाउंड है कि तमाम अतर को, चाहे वो लिटरेरी वर्क का है चाहे वो आर्टिस्टिक वर्क का है, उसको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दे, बाकी टेक्निकलिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया. जो
एक और इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल वजह किया गया है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस भी वही प्रिंसिपल है जो पेरिस कन्वेंशन में बताया गया कि तमाम स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, जिसको लेटरी वर्क की प्रोटेक्शन दे, रजिस्टर्ड करे किसी और चीज़ की या ना करे। मतलब ये कि अगर कोई स्टेट किसी अतर की प्रोटेक्शन सीज करता है तो इट डजंट मीन कि बाकी ममालिक भी इस वजह से उसकी प्रोटेक्शन सीज करें कि फलां स्टेट ने आपकी प्रोटेक्शन ख़त्म कर दी है, तो लिहाजा हम भी ये स्टेट भी आपकी प्रोटेक्शन सीज करता है, ऐसा स्टेट नहीं करेगा, क्योंकि तमाम स्टेट क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट फॉलो किया जाएगा। तमाम स्टेट को डायरेक्ट किया गया इस कन्वेंशन के तहत कि तमाम स्टेट क्या करेंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड वो ऑब्जर्व करेंगे। ऑल स्टेट आर डायरेक्टेड टू फॉलो द मिनिमम स्टैंडर्ड। कोई मुल्क ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहता है तो पाबंदी नहीं है, लेकिन लीस्ट जो स्टैंडर्ड है वो प्रोटेक्शन का, वो हर स्टेट ने ऑब्जर्व करना है। इसको नाम दे दिया गया मिनिमम स्टैंडर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड। ऑल स्टेट आर बाउंड टू फॉलो द मिनिमम स्टैंडर्ड मेंशन इन द बर्न कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में राइट की भी बात की गई कि कौन से राइट दिए जाएंगे और वो राइट किसको दिए जाएंगे और उस राइट्स की जो है वो नेचर क्या होगी। तो इसके हवाले से बर्न कन्वेंशन बड़ी क्लियर अफराद में बात करता है कि राइट किसको दिए जाएंगे। नंबर वन, राइट दिए जाएंगे कि जो कौन है, जो अतर है। अब अतर ऑफ द वर्क कौन है, अतर के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है, लेकिन इस सेशन की हद तक, यानी कि लिटरेरी वर्क किसका है, यानी कि आर्टिस्टिक वर्क किसका है, जो अतर है या जो राइटर है या जो कंपोज़र है, वो जो वर्क है वो ओन कौन कर रहा है, उसका एक्चुअली ओनर कौन है, काम करने वाला एक्चुअली कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अतर की बात की गई है। तो अतर के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकते हैं। और ये भी बताया कि ये जो राइट हैं इसकी नेचर क्या होगी, इन अदर वर्ड ये नेचर, ये जो राइट होंगे ये कॉन्टिजेंट होंगे, वेस्टेड होंगे, कंक्लूसिव होंगे। तो इन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिया कि ये कंक्लूसिव राइट होंगे। कंक्लूसिव राइट का मतलब क्या है, कि इसको इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड ये एक्सक्लूसिव राइट भी कहलाएंगे। एक्सक्लूसिव राइट से मुराद ये है कि कोई और शख्स इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट से मुराद ये है कि वो जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसके प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। तो कुछ एक्सक्लूसिव जो राइट हैं वो दिए जाएंगे। वो जो एक्सक्लूसिव राइट हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं ये भी बता दिए गए कि राइट में कौन कौन से राइट शामिल हैं जो एक्सक्लूसिव इन नेचर होंगे। और तमाम स्टेट पाबंद होंगे कि उस अपने अपने मुल्क में जो भी आर्टिस्टिक वर्क होगा या जो भी सिनेमाटोग्राफिक या इस तरह का लिटरेरी वर्क होगा उसके अतर को ये वाले राइट देने हैं, एक्सक्लूसिव इन नेचर। तो नंबर वन जो राइट है दैट इज़ राइट टू ट्रांसलेट, राइट टू ट्रांसलेट। राइट टू ट्रांसलेट का मतलब कि अगर किसी ने कोई बुक, कोई नावल या कोई इस तरह का लिटरेचर लिखा हुआ है तो कोई और शख्स दूसरे लैंग्वेज में उस अतर के परमिशन के बगैर तर्जमा या ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, और ना ही अतर के मर्ज़ी के बगैर उस वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है। राइट टू परफॉर्म या राइट टू परफॉर्मेंस,
नहीं की जा सकती, अतर के मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, ना ही वो जो अतर है उसके मर्जी के बगैर उसको एडॉप्ट कर सकता है कोई शख्स, राइट टू एडॉप्ट या एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने कोई कोई नावल लिखी हुई है तो आप उसको ड्रामे में कन्वर्ट करना चाहते हैं या उसमें फिल्म बनाना चाहते हैं, तो जब तक परमिशन नहीं होगी हम उस नावल को एडॉप्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे वर्क में। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई ड्रामा होता है या कोई इस तरह की मूवी होती है तो उसके शुरू शुरू में लिखा जाता है कि फ़लाँ के नावल से माखूज या फ़लाँ के बुक से ये बात ली गई है, ताकि जो क्रेडिट है वो उस शख्स को जाए कि जिसने वो नावल लिखी है। तो अगर हम किसी का लिटरेरी वर्क को फिल्माइज करते हैं या उस पर ड्रामा बनाते हैं तो इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ज़मान में एडॉप्टेशन। तो राइट जो ऑफ एडॉप्टेशन जो है ये भी एक्सक्लूसिव राइट होगा अतर का, उसके मर्ज़ी के बगैर ये नहीं किया जा सकता, कोई और शख्स एडॉप्ट नहीं कर सकता। इवन राइट टू रिसाइट, अगर कोई कोई किसी ने लिरिक लिखे हुए हैं, कोई पोइट्री है, कोई पोएम है या कोई इस तरह की कोई लिटरेरी वर्क है, तो पब्लिकली विदाउट द परमिशन ऑफ द अतर कमर्शियली कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो ये नहीं कर सकता जब तक अतर से परमिशन ना ली जाए। सेम इज़ द केस ऑफ राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको रिप्रोड्यूस भी कोई और शख्स नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन से मुराद क्या हुआ, आपने एक किताब पब्लिश की, आप दोबारा जब वो किताब दोबारा पब्लिश करेंगे तो आपकी मर्ज़ी के बगैर पब्लिशर उसको पब्लिश नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपने उसको परमिशन ना दी हो। तो ये वो सारे राइट्स हैं कि जिनको जो अतर को देने हैं, और ये सारे के सारे क्या होंगे, ये एक्सक्लूसिव राइट होंगे। एंड एक और राइट, राइट टू ब्रॉडकास्ट, यानी कि कोई भी शख्स अतर के मर्ज़ी के बगैर ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इस कन्वेंशन ने इन तमाम राइट्स को एक्सक्लूसिव राइट का नाम दिया कि स्टेट पाबंद होगा इन उन तमाम अतर को ये राइट देगा जो उसके स्टेट में कोई इस तरह का वर्क क्रिएट करेगा। जब हम इन राइट की बात करते हैं कि ये एक्सक्लूसिव राइट है, इसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता, तो बर्न कन्वेंशन इसकी एक्सेप्शन भी बताता है जिसको ये नाम देता है फ्री यूज़। कुछ मामलात के लिए परमिशन ज़रूरी नहीं है। वो कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन से मैटर हैं कि जहाँ पर जो अतर होगा उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी कॉपी की जा सकती है या उसको यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ फॉर टीचिंग पर्पज़। टीचिंग पर्पज़ के लिए कह रहा है कि कन्वेंशन कह रहा है कि अतर की परमिशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन टीचिंग पर्पज़ से मुराद ये नहीं है कि हम किसी के बुक को बेतहाशा फोटोस्टेट की कॉपियां करें, कमर्शियली एक्सप्लॉइट करें। ये कन्वेंशन बोल रहा है कि इलस्ट्रेशन की हद तक हम विदाउट द परमिशन ऑफ अतर एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई और जो एजुकेशनल एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी उसके लिए भी हम विदाउट द परमिशन ऑफ द अतर यूज़ कर सकते हैं, या कोई इवेंट रिपोर्टिंग के लिए कोई अखबारी रिपोर्टर है वो किसी इवेंट को कवरेज दे रहा है, तो वो अगर उसको रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ हो गई, तो वो अतर से उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़हन में रखिएगा, ये गुड फेथ में सारी बातें हैं, इसकी परमिशन हरगिज़ नहीं है कि अगर आप किसी बुक को इसके डोमेन में डाउनलोड करें और उसको फिर फोटोस्टेट करें या अपने नाम से छापें
कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की इजाज़त नहीं है। एजुकेशन पर्पज़ की हद तक या एजुकेशन एक्टिविटी की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन उसकी भी लिमिटेड यूज़ में कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ये जो बर्न कन्वेंशन है इसकी इजाज़त नहीं देता। सर, जब हम एक्सक्लूसिव राइट की बात करते हैं कि तमाम स्टेट पाबंद होंगे अपने मुल्क में इस तरह की लेजिस्लेशन करेंगे कि वो अतर को ये एक्सक्लूसिव राइट देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स इन राइट्स की जो अतर के राइट्स हैं विदाउट परमिशन यूज़ करेगा तो वो इन्फ्रिंजमेंट काउंट होगा और उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकेगी, क्योंकि आपने किसी अतर का राइट जो है वो वॉयलेट किया है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट काउंट होगा अगर हम किसी अतर के मर्ज़ी के बग़ैर ये राइट यानी कि उसको इस्तेमाल करें या उसके ऊपर फिल्म बनाएं या रिप्रोड्यूस करें विदाउट द कंसेंट ऑफ द अतर, तो ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट काउंट होगा, तो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकेगी और डैमेजेस क्लेम किए जा सकेंगे। सर, ये जो कन्वेंशन है ये फर्दर बताता है कि ये जो एक्सक्लूसिव राइट होंगे ये कितने टाइम के लिए दिए जाएंगे, ड्यूरेशन कितना होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द बर्न कन्वेंशन रिगार्डिंग द एक्सक्लूसिव राइट के जहाँ पे लिखा हुआ है कितने साल तक प्रोटेक्शन दी जाएगी, तो ड्यूरेशन के हवाले से कहता है कि अगर वो जो काम है वो लिटरेरी वर्क है को तो अतर को कितने साल तक ये जो राइट हैं एक्सक्लूसिव राइट वो दिए जाएंगे। तो जनरल रूल जो है लिटरेरी वर्क के हवाले से वो बड़ा क्लियर, जनरल रूल क्या कहता है कि 50 साल तक की प्रोटेक्शन, 50 ईयर प्रोटेक्शन कितने साल की दी जाएगी, 50 ईयर को की दी जाएगी। किसको दी जाएगी, अतर ऑफ द वर्क को दी जाएगी। और ये 50 ईयर कब से स्टार्ट होंगे, ये स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द अतर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द अतर तो प्रोटेक्टेड ही है, यानी कि लिटरेरी वर्क है, किसी ने कोई किताब लिखी हुई है तो जब तक अतर जिंदा है तब तक तो उसके लाइफ में कोई और ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मरने के 50 साल बाद तक नहीं कर सकता। इस मीन कि 50 ईयर की प्रोटेक्शन है, और ये 50 ईयर कब से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द अतर। एक्सेप्शन क्या कहती है, एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसका अतर मालूम नहीं है, आई मीन टू से या तो वो कोई फर्जी नाम यूज़ कर रहा है, कोई तखल्लुस यूज़ कर रहा है, या वो जो अतर है वो मालूम ही नहीं है, एनोनिमस वर्क है। एनोनिमस वर्क का मतलब क्या हुआ कि अतर जो है वो मालूम ही नहीं है कि कौन है इसका अतर कौन है, तो ऐसे लिटरेरी वर्क को कहा गया कि 50 ईयर 50 साल ड्यूरेशन कितना होगा उसके एक्सक्लूसिव राइट का प्रोटेक्शन का, 50 साल तक कोई और उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर वो ख़ुद को डिस्क्लोज कर दे तो जनरल रूल लागू होगा, अगर वो मालूम ही नहीं है तो ये प्रोटेक्शन किस हद तक होंगे, ये 50 ईयर तक होंगे। या अगर कोई शख्स क्या करता है, कोई फर्जी नाम से जो है वो कोई वर्क पब्लिश करता है, सेडोनिमस वर्क के नाम से, यानी कि वो क्या करता है, वो कोई फर्दी नाम यूज़ करता है, कोई तखल्लुस यूज़ कर रहा है, जैसे कि जॉन आलिया या कोई और शेक्सपियर जिसका एक्चुअल नाम कोई और था लेकिन वो तखल्लुस यूज़ कर रहा है, तो भी 50 ईयर तक प्रोटेक्शन होगी। कब से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि वो पब्लिक कब हुआ, पब्लिक को पता चल गया देन
उस डेट से 50 साल के बाद प्रोटेक्शन ख़त्म तसव्वुर होगी, लेकिन अगर मीनवाइल रिवील हो जाता है कि ये जो वर्क है, ये जो ख़ास लफ्ज़ यूज़ हो रहा था, तखल्लुस यूज़ हो रहा था, ये तो मिस्टर फलां था, तो फिर जनरल फार्मूला लागू होगा, जनरल रूल लागू होगा, और दैट इज़ 50 ईयर फ्राम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। फिर कहा कि अगर कोई वर्क है वो सिनेमाटोग्राफिक वर्क है, तो कह रहा है कितने साल की प्रोटेक्शन होगी, सिनेमाटोग्राफिक को 50 ईयर की प्रोटेक्शन दी गई है, 50 ईयर तक एक्सक्लूसिव राइट दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, अथर ऑफ द सिनेमाटोग्राफिक वर्क को दिए जाएंगे, और ये 50 ईयर कब से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज़, वो जो मूवी है या वट एवर जो भी इस तरह ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट है वो जब से रिलीज़ होती है तो 50 ईयर तक प्रोटेक्शन होगी। और कहा कि अगर वो कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई अप्लाइड आर्ट है, आर्टिस्टिक वर्क है, तो आर्टिस्टिक वर्क को बोला कितने साल तक प्रोटेक्शन दी जाएगी, एंड दैट इज़ 25 ईयर। 25 ईयर कब से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ये जो राइट है ये काउंट होंगे और ये स्टार्ट होंगे। अलॉन्ग विद दैट ये जो बर्न कन्वेंशन है इसमें यूनियन का भी जिक्र किया गया कि हम एक यूनियन इस्टेब्लिश करेंगे, और ये यूनियन वही यूनियन है जो पेरिस कन्वेंशन में इस्टेब्लिश हुआ था, यही यूनियन और पेरिस कन्वेंशन का यूनियन बाद में जाके बीपी में कन्वर्ट होते हैं और ये वाइपो बनती है। तो यानी कि वही जनरल असेंबली, वही एग्जेक्टिव कमेटी एंड वही इंटरनेशनल ब्यूरो। तो डियर, इट वाज समथिंग अबाउट पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन के अगर हम बुलेट में अभी बात कर लें समरी में कि कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट, कब साइन हुआ 1886, कौन सी चीज़ों को डील करता है, कितनी प्रोटेक्शन देता है, और कौन कौन से प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा। द खुदाई पामान।